अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज, आपने नहरें तो बहुत ज़्यादा देखी होंगी, तो आज मैं जिस नहर पे आया हूँ ये बहुत ही डेंजरस नहर है और ये इंडिया से आती है और बदकिस्मती से हर साल यहाँ पे बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो आज मैं इस नहर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ, तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम इस नहर की जानिब। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हम नहर पे पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं इसके पुल की तरफ, जिसको हेड बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। गाइस, तो ये आप देख सकते हैं, ये हम इसके हेड पे पहुंच गए हैं। जी गाइस, तो आप ये देख सकते हैं, अब बहुत ही डेंजरस है ये नहर, इतनी तेज़ी से यहाँ पे पानी आता है और यहाँ पे तो कोई नहाता भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत से लोगों की डेथ होती है। इसका पानी बहुत ही ज़्यादा और इतना तेज़ है, तो इसलिए कोई यहाँ पे नहाता भी नहीं है। तो और ये इंडिया से आती है, तो इसके ये वो जो पुल है उसके आगे उन्होंने बड़े बड़े गेट लगाए हुए हैं, ताकि आपको पता है अब इंडिया से हमारी इतनी लगती तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे वो उन्होंने कुछ चीज़ें भेज देते हैं, या मतलब वो आपको जो पता है डिफेंस के लिए चीज़ें उन्होंने लगाई होती हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको ये दिखाने लाया था, इसलिए आपने शायद ये चीज़ें ना देखी हों, तो इसलिए ये आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी। तो ये गाइस, आप देख सकते हैं ये है पुल है, तो उसके ये गेट्स उन्होंने लगाए हुए हैं आगे। ये जब कोई मसला होता है इंडिया से किसी चीज़ का, तो ये जो उनसे गेट्स हैं ये बंद कर देते हैं, क्योंकि ये नहर जो उनसे इंडिया से आती है, तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें पैदा होती हैं।
जी गाइस, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा डैम बन जाए तो मुझे उम्मीद है कि पूरे यहाँ के एरिए को यहाँ से बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। जी गाइस, तो आप ये देख सकते हैं, ये अभी हम इसके पुल के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से बहुत ही डेंजरस नज़ारे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से मैं खड़ा हूँ तो मेरी टांगें ऐसे कांपती हैं, इतना मतलब कि वो डर लग रहा है। और वैसे भी इस नहर के बारे में इतनी ज़्यादा न्यूज़ सुनी है कि ये मोस्ट डेंजरस नहरों में से एक नहर है, यहाँ पर बहुत से लोगों की डेथ होती है। तो अब ये चीज़ें सुन के वैसे दिल में अब एक डर सा बैठा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, मगर अब क्या करें, आपके लिए अब मेरा भी कोशिश यही होती है कि नया से नया टॉपिक आपको प्रोवाइड करूँ। जी गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी मोस्ट डेंजरस नहर है, यहाँ पर कोई नहीं नहाता, मगर ये मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि यहाँ का इनको इन्फॉर्मेशन है, और इनको मैंने स्पेशली यहाँ पे बुलाया कि मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाना है, तो कहने लिया मेरे लिए ज़रा थोड़ा यहाँ पे नहा लेंगे। तो ये अब यहाँ पे नहाने लगे हैं तो इनकी मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने लगी। जी गाइस, तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ मैं तो, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, दिल कर रहा है यहाँ से जाऊँ ना। बहुत ही आज वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो मज़ा आ रहा है। और मेरा कज़न है, वो कह रहा है भाई चलो आज चले यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब रुकना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले भी काफ़ी होते हैं, वो आपको बताया था कि काफ़ी डेंजरस है ये जगह, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं देते। तो मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, तो जाना तो पड़ेगा। फिर भी जितना यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मैंने, काफ़ी मज़ा आया मुझे, आप देख ही सकते हैं, तो अच्छा लगा मुझे। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कैसी आपको ये जगह लगी, कैसी नहर लगी, ये कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।